हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का एक नए सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के यहां पे जीके के क्वेश्चन यहां पे इम्पोर्टेंट करता है। अगर आपको छत्तीसगढ़ के जीके कंप्लीट बेसिक से आपको पढ़ना है तो रात में लगभग 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, तो उस क्लासेस को देख सकते हैं आप। हमें अभी वर्तमान में आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं उसमें छत्तीसगढ़ की जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ाया हूँ, तो उसको जाके देख सकते हैं। बेसिक से उसमें पढ़ाया छत्तीसगढ़ का जीएस को। इस पर हम जो सुबह मॉर्निंग में होते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीके के सेक्शन इसको हम कवर करा रहे हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। कोई भी अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापम का, चाहे आप एसआई का मेंस का तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी मेंस का हो, और कोई भी छत्तीसगढ़ का वन विभाग का भी जो वैकेंसी जो कि आने वाली है, और आपका जो टीचर भर्ती होने वाली है उसको लिए भी बहुत काम आएगा छत्तीसगढ़ के जीएस। तो लगभग आपके सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो यहाँ पे बेसिक से आप पढ़ भी सकते हैं और क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ से उन्हीं क्वेश्चन को लिया जाता है जो आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए गए थे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँच पाए आप तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का जीके। तो ये क्वेश्चन है आपके 2023 के क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखिएगा। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1978 में इसको स्थापना किया गया था, इसको याद रखिए, आपका पहला है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब किया था? तो 1981 में इसकी स्थापना किया गया। इसी तरह तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपका कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना किया कब किया गया? तो 1982 में इसकी स्थापना 1982 में की गई है। तो आपका जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर जिले में स्थित है आपका। इसी तरह आपका जो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कोरिया सूरजपुर में स्थित है, जो इसको याद रखें सूरजपुर में स्थित है। इसके बाद थर्ड आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका बस्तर जिले में आपका स्थित है। तो तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की जो संख्या कितनी है? तो 7, 8 या आपके 10 या 11। तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभयारण्य स्थित है, तो उसको याद रखिए। मैं इसको पहला कौन सा है आपका, मैंने बताया तमोर पिंगला। दूसरा कौन सा है? सेमरसोत। तीसरा कौन सा है? तो आपका बादलखोल। चौथा आपका गुमर्दा है, गुमर्दा के बाद आपका पांचवा आपका बारनवपारा, बारनवपारा के बाद आपका छठवा जो है आपका उदंती, उदंती के बाद आपका सीता नदी, ये आपके सबसे पुराना सबसे प्राचीन सीता नदी। आठवा आपका अचान का मार, ये आपका अचान का मार है, और इसके बाद आपका भोरमदेव जो कि आपके सबसे नया अभयारण्य है, तो इसको याद रखिए। आपका दसवा आपका भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ है आपका दसवा में, और लास्ट में आपका पामेड़ अभयारण्य है, तो इसको याद रखिए। पामेड़ आपका बीजापुर में स्थित है। तो लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 11 जो अभयारण्य यहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबको याद रखिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोवर्धन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आपके रायगढ़ में, बिलासपुर में, सरगुजा में, आपके जांजगीर चांपा में। तो इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायगढ़ जिला। तो गोवर्धन जो वन्य जीव अभयारण्य आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया है? तो 1975 में इसकी स्थापना की है गोवर्धन अभयारण्य की। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है, इसको याद रखिए, 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन से वन्य जीव खास करके इसमें पाए जाते हैं? तो उसको सोन कुत्ता,
सोन कुत्ता के लिए इसको जाना जाता है। तो सोन कुत्ता जो वन्य जीव है आपके गुमर्दा अभयारण्य में इसको पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपके दुर्ग में, जसपुर में, या आपके कोरबा में, या आपके बस्तर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके, रानी दाह जो जलप्रपात है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपको बी ऑप्शन, जसपुर जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिए, रानी दाह जो जलप्रपात है ये आपके जसपुर जिले में स्थित है। तो ये जलप्रपात से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जसपुर जिला, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि रानी ने आत्महत्या यहाँ पे की थी, तब से इसका नाम यहाँ पे रानी दाह जलप्रपात पड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे और कौन से, जो जसपुर यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जलप्रपात पाया जाता है? आपके राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, और आपका खुड़िया रानी जलप्रपात यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत धारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके कवर्धा में, कोरिया में, सरगुजा में, या आपके जसपुर में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, अमृत धारा जो जलप्रपात आपके कोरिया जिले में स्थित है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमृत धारा जो जलप्रपात है कौन से जिले में है? तो आपके कोरिया जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कौन से नदी पर बना है? तो आपके हसदेव नदी, तो हसदेव नदी पे आपका बना हुआ है, आपका कोरिया में स्थित है आपका अमृत धारा जलप्रपात। इसके जो पास में आपका एक तापसी बाबा का आश्रम भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन से जो जलप्रपात यहाँ पे स्थित है? तो आपके अकूरी नाला, याद रखिएगा, अकूरी नाला जो जलप्रपात है, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। कोरिया का एयर कंडीशनर किसको कहा जाता है? तो अकूरी नाला को कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके कोरिया जिले में भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपके PSC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो आपके उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या कर्नाटक में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके, चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके कहाँ पे है? तो आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ पे कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर संभाग। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के कहाँ पे स्थित है? तो आपके बस्तर संभाग में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और इंद्रावती नदी पर आपके जो है, जो चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके कौन से नदी पे बना हुआ है? तो आपके इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है, इसको याद रखिए। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी चौड़ाई है, तो इसको याद रखिए। सबसे बड़ा जलप्रपात है, और इसे भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और मौसम के कारण कहा जाता है, इसका जो पानी का रंग है आपके बदलता रहता है, इसको याद रखिए। बहुत बार क्वेश्चन को आपका इंडिया के GS में भी क्वेश्चन को, GK में क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो इसको IMP करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से नदी पर बना हुआ था? आपको रिहंद नदी आपको लेना है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे और एक तो तुर्रा नाम का जलप्रपात है, तुर्रा करके जलप्रपात यहाँ पे स्थित है सूरजपुर में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ से मिले? तो आहाड़ संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति, रंगपुर, या आपके क्वाथ संस्कृति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो यहाँ पे दक्षिण भारतीय संस्कृति है आपका, जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ के आपके महापाषाणी जो संस्कृति काल के यहाँ की छत्तीसगढ़ के अवशेष यहाँ से मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी उस समय क्या थी? तो आपके साकेत, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। तो छत्तीसगढ़ में स्थित जो दक्षिण कोसल है इसकी राजधानी उस समय क्या थी? तो श्रावस्ती थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के जो स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं पूछा गया है? तो आपके यहाँ पे देखें तो आपके बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो गुप्त वंश के जो स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ से बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायपुर से, पिटाई वाले से हुआ है,
आपके दुर्ग से बाना बारात बिलासपुर से भी हुए, आपके जो बस्तर है यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे बाना जो बाना बारात दुर्ग से प्राप्त हुए, बिलासपुर से भी प्राप्त हुए आपके, रायपुर में आपके पिटाई वल्द से जो कि गुप्त वंश के जो यहाँ पे स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, बाकी जो बस्तर है यहाँ से यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए, तो यहाँ पे प्राप्त नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो गुप्त वंश की जो बात करूँ, इनका जो शासनकाल है 319 से 500 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, और इनकी जो राजधानी थी यहाँ पे आपके बस्तर संभाग दंडकारण्य जो इस समय गुप्त काल के राजधानी थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, तो नल वंश, पांडु वंश, सरपुरी वंश या आपका इनमें से कोई नहीं, तो वाकटक जो नरेशों के बस्तर के किस राजवंशों से इनका संघर्ष हुआ था, तो नल वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो वाकटक जो नरेश थे आपके महेंद्र सेन, तो इनके जो जो आपके वाकटक नरेश थे, तो बस्तर के नलवंश राजवंश से इनका संघर्ष हुआ था, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो उल्लेखित है कि व्याघ्र राज कहाँ का शासक था, तो महाकांतार, कोसल, दक्षिण कोसल या इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्षिण कोसल, इसको याद रखिए। तो समुद्रगुप्त जो हरिसेन जो कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार यहाँ पता चलता है कि जो गुप्त वंश के जो वंशी जो राजा थे आपके समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के जो वाकटक जो राजा आपके महेंद्र सेन थे, तो महेंद्र सेन को हराया था, और महाकांता की जो नलवंशी राजा व्याघ्रराज भी को भी इन्होंने हराया था, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वास्तविक जो राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, तो कलचूरी, यादव, काकती या इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कलचूरी वंश। तो छत्तीसगढ़ के जो वास्तविक और राजनीतिक इतिहास से यहाँ पे पता चलता है कि जो राजवंश की जो स्थापना है कलचूरी राजवंश की जो स्थापना के साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इनकी कलचूरी वंश से स्थापना होता है, मतलब छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश का जो आगमन यहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसको याद रखिएगा। लगभग 1000 से 1741 में इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ में कलचूरियों का स्टार्ट होता है, इनका शासनकाल जो 1741 तक इनका शासनकाल चलता है। इसके संस्थापक किसको कहा जाता है, तो कलिंग राज, याद रखिएगा जो कलिंग राज थे, कलिंग राज छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश के इनको संस्थापक कहा जाते हैं। अंतिम शासक कौन थे, रघुनाथ सिंह जो थे इसके अंतिम शासक है कलचूरी वंश के, तो इसको याद रखिएगा। संस्थापक पूछे तो कलिंगराज अंतिम शासक है, तो रघुनाथ सिंह आपको लेना है, तो इसको याद रखिए। तो राजधानी थी तुम्माड़ को आप कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाया था, और रतनपुर को आपने रत्नदेव प्रथम ने बनाया था, छुरी कोसगई को आपके बहरेंद्र शाह ने बनाया था, तो इसको याद रखिए। उनकी कुल देवी थी गजलक्ष्मी, इनकी कुल देवी थी, और राजकीय जो भाषा के रूप में उपयोग करते संस्कृत भाषा इन लोग उपयोग करते थे, इसको याद रखिए। प्रसिद्ध कवि जो कलचूरी वंश में गोपाल मिश्र जो कि प्रसिद्ध कवि थे आपके कलचूरी वंश के, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन था, तो बिंबाजी भोसले, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। बिंबाजी भोसले थे जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक, इनको कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है जो बिंबाजी भोसले, इनका शासनकाल कब से स्टार्ट होता है, 1758 से लेकर आपका 1787 तक इनका शासनकाल चलता है। तो प्रथम मराठा शासक पूछे तो आपको बिंबाजी भोसले शासनकाल पूछे तो 1758 से 87 तक इनका शासनकाल चलता है, इसको याद रखिए। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था, तो रतनपुर को, याद रखिएगा रतनपुर को इन्होंने जो कि मराठों के छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी इनको बनाया गया था। इसके सेना कौन थे, नीलूपंत, याद रखिएगा सेना इसके नीलूपंत थे। इनके पंडित कौन थे, तो कृष्ण भट्ट इसके पंडित थे, राजपंडित, सेनापति पांडुरंग थे, जिसको याद रखिए। इनके द्वारा जो रामटेकरी मंदिर है रतनपुर में स्थित है, रामटेकरी मंदिर जो है आपके किसके द्वारा बनवाया गया, तो बिंबाजी भोसले के द्वारा इनको बनाया गया। आपके दुधाधारी जो मठ है इसका जो जीर्णोद्धार है आपके बिंबाजी भोसले द्वारा इसको कराया गया है, और निर्माणकर्ता कौन है, तो आपके बलभद्र दास इसके निर्माणकर्ता है, तो इसको याद रखिएगा।
पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता हैं महिपत राव दिनकर, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर या इनमें से कोई नीतीश का। सही ऑप्शन हो जाएगा विट्ठल दिनकर, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के इनको जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर को कहा जाता है। इनका जो शासनकाल है 1795 में जिनके शासनकाल स्टार्ट होता है, 90 से 95 मान के चलिए आपके 90 से 1795 तक इनका शासनकाल है। और इनके शासनकाल में जो मिस्टर जेटी ब्लंट थे, याद रखिएगा जो मिस्टर अंग्रेज दो जेटी ब्लंट थे, इनके इनके यात्रा पे आए हुए थे छत्तीसगढ़ के यात्रा पे इनके शासनकाल में। तो इसको याद रखिए परगना पद्धति इनको जन्मदाता कहा जाते हैं। और इन्होंने जो प्रमुख कमाविजदार इन्होंने लागू किया था और इन्होंने छत्तीसगढ़ों को लगभग 27 परगनों में इन्होंने इनके द्वारा विभाजित किया गया है। इसको याद रखें इन्होंने छत्तीसगढ़ों को 27 परगनों में आपके विभाजित किया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो विट्ठल दिनकर लेना है। विट्ठल दिनकर ही आपके परगना छत्तीसगढ़ के परगना पद्धति के जन्मदाता है या इन्होंने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए बनने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हैं कैप्टन। तो छत्तीसगढ़ के लिए बनने वाले जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, कैप्टन एडमंड जो कि छत्तीसगढ़ के पहले बनने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लीजिएगा। तो कैप्टन जो एडमंड है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक है, इनको याद रखिए, राजधानी रतनपुर थी, इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक है, इन्होंने इनके शासनकाल में 1858 में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। छत्तीसगढ़ में देवपाल जो मोची ने जहाँ पे नारायण मंदिर का गठन किया है आपके, कहाँ पे है आपके, रतनपुर, तुम्माड़, खल्लारी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खल्लारी, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो देवपाल मोची ने जहाँ पे नारायण मंदिर के गठन इन्होंने करवाया गया है, कहाँ पे, तो खल्लारी में। खल्लारी आपका कहाँ है मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। दर्शन स्थल यहाँ पे हर साल मेला का भी आयोजन होता है, तो मेरे में इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को बताइए। कम से कम आपकी जो तैयारी कहाँ तक है इसको पता करिए, मेरे को कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचूरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी, तो मराठाओं ने, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मराठाओं ने। जो कलचूरी वंश जो ख़त्म हुआ, इनका पतन हुआ कलचूरी वंश ही, तो इसके बाद मराठाओं ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सत्ता इन्होंने संभाली थी, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो ये आपके 1857, 1854, 1857 या इनमें से कोई नीतीश का सही ऑप्शन 1854 दोनों में से जो दिए रहेगा इसको ले लीजिएगा। तो 54-55 दोनों में से एक लेना है आपको। तो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था आपके 1854-55 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और इसके जो अंतिम जिलेदार आपके गोपाल राव आनंद थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंप दिया था, इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पहली शहीद सेनानी कौन थी, तो सुरेंद्र साय, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, गुणधर्म, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो पहली जो शहीद सेनानी कौन कहते हैं,
किसे कहते हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है, जो कि सोना खान जो विद्रोह के नेता थे, तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ के पहली इनको शहीद सेनानी इनको मानी जाती है, तो शहीद वीर नारायण सिंह इनको याद रखिएगा, जो कि सोना खान के जमींदार थे। कौन से जनजाति के थे, क्वेश्चन पूछ चुका है, बिंझवार जनजाति के थे आपके वीर नारायण सिंह जी। क्या कारण था, तो अकाल पीड़ितों को कारण यहाँ पे अनाज उपलब्ध कराने के लिए वीर नारायण सिंह ने जो आपके कजडोल के जो व्यापारी थे मखनलाल, तो इनके गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बांट दिया था। तो इसी के समय यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे रायपुर के जय स्तंभ चौक के यहाँ पे चार्ल्स इलियट के फैसले का इनको फांसी दे दी गई थी। तब से छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आज का सेशन है यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो कमेंट करके बताइएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछा उसको भी बताइएगा, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके उसको भी बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू।